माइग्रेन पावरफुल हेडेक है जो कई बार नौसिया, वॉमिटिंग और लाइट सेंसिटिविटी के कारण होता है। जनरली माइग्रेन का सर दर्द 4 घंटे या फिर 3 दिन तक रहता है। कुछ केसेस में उससे ज्यादा टाइम भी माइग्रेन हेडेक रहता है। माइग्रेन हेडेक के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाना स्किप करना, कॉफी ज्यादा लेना, अनहेल्दी स्नैक्स खाना। इसके सिवा कुछ एक्सटर्नल रीजंस के कारण माइग्रेन हेडेक बढ़ सकता है। ये एक्सटर्नल रीजंस क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन हेडेक। वेदर। जिनको माइग्रेन की तकलीफ होती है उन्हें क्लाइमेट चेंज, ह्यूमिडिटी के कारण बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, जिस कारण माइग्रेन का सरदर्द वापस आता है। अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में रहते हैं तो उससे भी माइग्रेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोकिंग करने से निकोटीन के कारण माइग्रेन हेडेक बढ़ता है। स्मोकिंग के कारण लोअर ब्रेन में दर्द होने लगता है, इसीलिए अगर आप स्मोकिंग नहीं करते होंगे तो भी स्मोकिंग एरिया से दूर रहे। ये आपकी हेल्थ के साथ माइग्रेन हेडेक के लिए भी अच्छा है। कंप्यूटर्स। काफी टाइम तक कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करने से माइग्रेन हेडेक बढ़ता है। खासकर आप लो रेजोल्यूशन का मॉनिटर यूज करते हैं, उससे आंखों पे स्ट्रेन पड़ने से ज्यादा तकलीफ होती है। उसके सिवा काम करते वक्त प्रॉपर पोस्चर में भी रहना जरूरी है, जिस कारण आपके हेड, नेक और शोल्डर्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। फूड एंड ड्रिंक। आप क्या खाना खाते हैं उससे भी माइग्रेन हेडेक होने के कारण होते हैं। खासकर चाइनीज फूड, आजिनोमोटो और अल्कोहल के कारण माइग्रेन हेडेक बढ़ने के चांसेस होते हैं। चेंज इन हैबिट्स। कभी कभी आप अपने डेली रूटीन में अचानक कुछ चेंजेस करते हैं, उससे भी माइग्रेन हेडेक होता है। अगर आप अचानक से टी या कॉफी पीने की क्वांटिटी में चेंजेस करते हैं तो उससे भी हेडेक होता है। माइग्रेन हेडेक को बढ़ने वाले ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स है, और आपको माइग्रेन की तकलीफ है तो ऊपर बताए गए बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर माइग्रेन रिलेटेड आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।